हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सा हैवी वेपन अच्छा होता है, कौन सा हमें बनाना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए। तो देखो यार, गेम में हमारे चार हैवी वेपन है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय हमें गेम में चार हैवी वेपन देखने को मिलते हैं। और ये देखो, ये जो होता है ये हमारा होता है M134 हैवी मशीन गन। तो ये भाई ये अच्छा है कि बेकार? अब देखो यहाँ पे चार चार है, इसको बनाने में देखो 8 रेयर मटेरियल चाहिए होता है और बहुत कॉस्टली होता है भाई बनाना इसको। तो भाई हम चारों गोल्डन नहीं बना सकते, एक ही बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें मतलब कि सबका यूज कहाँ कहाँ है और क्या है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे स्नाइपर की, M82 हैवी स्नाइपर राइफल। ये क्या काम आएगा और कहाँ ही काम आएगा? तो देखो गाइस, अगर तुम जॉम्बी से लड़ने जा रहे हो, कोई जॉम्बी वाला मोड खेल रहे हो, तो इसमें ये बेकार है। अगर ये इसका सबसे बढ़िया यूज है हमारा एरोनॉटिकल बेस में, और ये जो हमारे मतलब वो प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड होते हैं ना उसमें, तब उसमें आप इंसानों को मार सकते हो आराम से, अगर आपको चलानी आती है तो। अगर चलानी नहीं आती तो भाई बनाना बेकार, एकदम बेकार है, इसको मत बनाना। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम होती है भाई, ये हैवी वेपन की, तो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो अगर आपको चलाना नहीं आता तो भाई एकदम बेकार है, बनाने की सोचना ही मत। फिर उसके बाद देखो ग्रेनेड लॉन्चर आता है। अब भाई ग्रेनेड लॉन्चर क्या हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? तो देखो यार, ग्रेनेड लॉन्चर का मेनली काम कहाँ आता है, या तो आप होल्ड द लाइन जो होता है सोलो वाला गेम होता है उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा जॉम्बीज होते हैं, एक साथ आते हैं, तो मतलब मल्टीपल जॉम्बीज को मारने के लिए कर सकते हो। पर ये बॉस से लड़ने के लिए नहीं होता, जो बड़े बड़े बॉस होते हैं ना उन पर ये काम नहीं आता भाई। बहुत इसका कम यूज़ है, ज़्यादा यूज़ नहीं है। और भाई प्लेयर वर्सेस प्लेयर में आप मारते रह जाओगे पर बंदा मरेगा नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मरेगा। बहुत मतलब रेयर चांस है कि बंदा मर जाए, पर बेकार एकदम। कुल मिला जुला कि ये समझ लो कि जो ज़्यादा जॉम्बी आते हैं ना उसके लिए यूजफुल है। फिर अब बात करते हैं हमारे हैवी मशीन गन। तो भाई ये मशीन गन देखो बहुत ज़रूरी है, मैं तो इसको सजेस्ट करूँगा कि बना लेना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो जो हमारे एस्ट्रल टावर में मोड होता है, या फिर कोई भी जॉम्बी बॉस होता है, जितने भी बड़े बड़े बॉसेस होते हैं ना उनको मारने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि इसका जो डैमेज रहता है ना, अगर आपका जो स्टैट वगैरह है बढ़िया है, तो 1000 का आप डैमेज दे सकते हो इससे। और मज़े की बात यह है ना कि इसमें 150 गोली होती है, तो अगर 150 गोली आप मतलब मारोगे ना, तो एक राउंड में ही आपका ये बहुत ज़्यादा 1.5 लाख तक का डैमेज हो जाएगा। तो भाई ये बहुत काम आता है एस्ट्रल टावर वगैरह में, और इससे ना आपका मेन गन का भी डैमेज बढ़ता है। इसके बारे में भी बताता हूँ, उससे पहले फिर इसके देख लेते हैं। एक और है हमारा बायोटिक राइफल। तो भाई मैं तो सजेस्ट करूँगा कि देखो दो गन आप बना लो, एक ये बना लो और एक ये बना लो, बायोटिक राइफल। बायोटिक राइफल का काम क्या होता है? तो गाइस अभी देखो मेरा जो डैमेज यहाँ पे 585 का है, ठीक है, अभी मैंने बायोटिक लिया हुआ है, अभी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। मैं इसकी जगह कोई और गन ले लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ, स्नाइपर ले लेता हूँ 60 लेवल की। तो अभी हमने ले लिया, अब देखो डैमेज हमारा देखते हैं बढ़ता है या घटता है। तो देखो मेरा जो डैमेज है वो अपने आप घट गया, तो भाई यही फ़ायदा होता है इससे। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई भी आप मतलब हार्ड बॉस से लड़ रहे हो, तो अपने दोस्तों को हील कर सकते हो, अपने आप को भी हील कर सकते हो। तो भाई मैं तो हमेशा बायोटिक लेके चलता हूँ, सारे लोग हमेशा बायोटिक लेके चलते हैं। नॉर्मल अगर मोड चल रहा है, नॉर्मल चीज़ें स्ट्रॉन्ग होल्ड वगैरह है, तो आप इसको हमेशा लेकर रखे रहो। PvP में भी सही रहता है, आप लेके चलो, अपने आप को हील करते रहो। एस्ट्रल टावर वगैरह में भी काम आता है। रही बात हमारी ये मशीन गन की, तो यार ये मशीन गन की एक मतलब अगर आप एस्ट्रल टावर में यूज करते हो, ये उनके लिए है जो मतलब कि जिनका डैमेज तगड़ा होता है। अगर हमें मुझे हील करने के लिए कोई रहेगा पीछे तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, और अगर मुझे हील करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो फिर मुझे इसे नहीं लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि हीलिंग के लिए भी कुछ चाहिए। तो हीलिंग के लिए देखो बायोटिक अच्छी है, अगर आपको कोई हील करने वाला है तो आप ये लेके जा सकते हो। और इसमें देखो दिक्कत क्या होती है ना, मैंने इसको 3 राउंड चलाया था, अभी 3 राउंड इसमें फायर किया था, और अभी देखो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, 84%। तो भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत जल्दी जल्दी कम होती है, और इसको अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो 100 बात की एक बात, आप देखो बायोटिक राइफल पहले बना लो, ठीक है, गोल्डन बनाने की कोशिश करो। फिर दूसरा ये जो हमारा मशीन गन है इसको बनाने की कोशिश करो, और ये स्नाइपर और ये लॉन्चर के चक्कर में मत रहो, ये दोनों गन काफ़ी है आपके लिए अगर तो आप गोल्डन बना लेते हो। फिर तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि ये जो हमारे हैवी राइफल होते हैं ना, इनके हमारे यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है एक्सपर्टीज़ का, इसमें हमें यहाँ पे स्पेशल फीचर्स मिलते हैं अपने गन में ऐड करने के। तो जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा है आर्मर पीस रिंग, यहाँ पे है हमारा क्रिटिकल है, डैमेज बढ़ रहा है, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये एक्सपर्टीज़ क्या होता है भाई, मैं इसको एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, तो उसको आप चेक कर लेना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चारों गन की अलग अलग एक्सपर्टीज़ होते हैं, और ये मतलब थोड़ा सा लिमिटेड होते हैं, तो आप सोच समझ के इसको यूज करना। आप ऐसे ही गलती से यूज करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लो, मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।